Hello everyone. So let us continue our series of multiple choice questions from the book R.S. Agarwal And this time we are taking the questions of chapter 10, circles of class 9. So let's have a look on question number 1. In this question, the radius of the circle is 13 cm and the length of one of its chord, code, code haman let chord AB, let the code is AB so its length is 10 centimeter so let me write the details here a b is 10 centimeter and radius that is from center to the boundary center say boundary that is length hai, that is radius and which is given as 13 centimeter okay now the question is find the distance of the cord from the center कोड का सेंटर से डिस्टेंस निकालना है वेन एवर यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस सो इट इज अंडरस्टूड दैट वी हैव टू कैलकुलेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है सो लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एंड लेट्स नेम इट एज एम इस पॉइंट को एम नाम दे देते हैं ठीक है एंड वी नो द स्टेटमेंट ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थियोरम दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कोड सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कोड है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक द कोड सो बाय दैट थियोरम वी कैन से एम इज इक्वल टू बी एम ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर ए बी ओके सो इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देयर इज नो नीड टू राइट द रीजन इतना डिटेल एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है बट द टर्म्स जो फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए सो एज द एंगल इज 90 डिग्री सो समहा पाइथागोरस थ्योरम का कुछ यूज होगा ओ ए इज थर्टीन एंड ए एम ए एम कितना होगा बच्चों ए एम इज इक्वल टू बी एम एंड ईच पार्ट विल बी हाफ ऑफ ए बी और ए बी हमें गिवन था टेन सेंटीमीटर टीमीटर सो एम एंड बी एम ईच पार्ट इज फाइव एंड फाइव सो लेट्स यूज पाइथागोरिस थियोरम इन दिस ट्राइंगल सो वी आर गोइंग टू राइट इन ट्राइंगल ओ ए एम एंगल एम नाइंटी डिग्री बन रहा है ठीक है सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, डी स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज़ स्क्ल टू एच परपेंडिकुलर है द लाइन सेगमेंट्स विच आर फॉर्मिंग 90 डिग्री जो 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स होती हैं, ए एम ओ एम सो वन ऑफ दम इज बेस एंड अनदर इज परुलर किसी भी एक को बेस या परपेंडिकुलर कह सकते हैं ठीक है ठीके? एंडपोर्ड्यूज एज क्वाइट क्लियर हाइपोर्ज कोई झगड़ा नहीं है नाइन टीकेट ठीक सामने ओ ए सो इट इज ओ ए स्क्र नाउ लेट सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ ए एम फाइव स्क्वेयर ओ एम वी वॉन्ट टू फाइंड आउट एंड ओ ए रेडियस इज थर्टीन ठीक है सो थर्टीन स्क्वेयर वन सिक्स नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव that will be 144 so om is a square root of 144 that is 12 so perpendicular distance that is 12 centimeter that is b option is the correct option let's see question number two question number two seems uh, similar to question number one so let's have a look the code is at a distance of 8 centimeter code is while एट सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है ओके दिस डिस्टेंस इज एट सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस सेवनटीन रेडियस इज सेवेंटीन ओके सो इन द सेम वे एज क्वेश्चन नंबर वन वी कैन यूज पाइथागोरस थियोरम सो दिस इज दिस क्वेश्चन इज फॉर ऑल यू चैंपियंस ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं

यस, टी डिग्री सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा नाइंटी डिग्री का होगा एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग हेयर ए बी इज इक्वल टू ए सी दीज टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड ए सी ये दोनों इक्वल गिवन है सो इक्वल मीन्स सिचुएशन इज ऑफ आइसोसेलिस ट्राइंगल है ना ये आइसोसेलिस ट्राइंगल बन रहा है टू एंगल्स दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, तो जल्दी से थर्ड क्वेश्चन में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं एक्स प्लस नाइन्टी प्लस एक्स सम इज वन एटी डिग्री सो टू एक्स बिकम 90, ठीक है सो आइसोसेलिस एंड राइट एंगल ट्राइंगल दोनों एंगल हो जाते हैं फोर्टी फाइव एंड फोर्टी फाइव चलिए क्वेश्चन नंबर फोर समझते हैं इन क्वेश्चन नंबर फोर इन दिस फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ठीक है ये सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ए सी बी ए सी बी तो बच्चों के क्वेश्चन में नोट क्या करना है कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है दैट इज बाय विच आर्क ये कौन से आर्क से एंगल बन रहा है सो इट इज फॉर्म्ड बाय आर्क ए बी ठीक है ये एंगल हमारा आर्क ए बी से बन रहा है आर्क ए बी समवेयर ऑन द बाउंड्री सो आर्क ए बी बाउंड्री पे एंगल बनाता है थर्टी डिग्री एंड एंगल ए ओ बी वी हैव टू फाइंड आउट मीन्स एंगल एट द सेंटर हमें ये बताना है सेम आर्क वही आर्क सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा द थ्योरम एंगल सबस्टेंडेड बाई एन आर्क तो वो आर्क आप अगर एक बार पहचान लेते हैं कि आर्क यहाँ पे ए बी है सेम आर्क ए पॉइंट और बी पॉइंट से सेम आर्क सी पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है ठीक है और वही एंड पॉइंट ए एंड बी सेम एंड पॉइंट ज्वाइन एट सेंटर ठीक है सो द थ्योरम एंगल सब्सटेंडेड बाई एन आर्क एट अ सेंटर सेंटर वाला जो एंगल होता है दी सेंटर वाला एंगल हमेशा ट्वाइस होगा the वही होना चाहिए है ना यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस वे जस्ट पुट टू फिंगर्स और टू पेन ऑन दीज एंड पॉइंट्स ए और बी पे दो पेन रख लीजिए एंड द सेम पॉइंट आप ज्वाइन करें ठीक है बाउंड्री पे ज्वाइन हो रहा है एंड विद द सेम पॉइंट्स यही एंड पॉइंट सेंटर पे ज्वाइन हो रहे हैं ठीक है तो सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल होगा डिग्री so, एंगल हमारे पास हो जाएगा सिक्सटी डिग्री क्वेश्चन नंबर फाइव में ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल ओ ए बी ए पॉइंट पे जो एंगल बना है दिस इज फोर्टी डिग्री एंड देन सी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल एंड वी हैव टू फाइंड आउट एंगल ए सी बी सी वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है ठीक है बच्चो ओ ए दोनों क्या हुई यहाँ पे ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी क्योंकि दोनों रेडियस हैं है ना सो ट्राइंगल ओ ए बी हमारा कैसा बन गया आईसोसेलिस ट्राइंगल सो वट अबाउट दिस एंगल ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा ये फोर्टी डिग्री है तो पीछे वाला ये भी फोर्टी डिग्री का ही आएगा दोनों एंगल फोर्टी फोर्टी डिग्री के हो गए सो कैन वी कैलकुलेट एंगल ओ सेंटर पे जो एंगल बन रहा है कैन वी कैलकुलेट दिस वन एटी माइनस फोर्टी एंड दिस ऑल्सो फोर्टी डिग्री ये भी हम इक्वल कह देंगे दोनों फोर्टी डिग्री हो गए सो वन एटी माइनस एटी एंगल सम प्रॉपर्टी से सेंटर पे एंगल आ जाता है हंड्रेड और अभी रिसेंटली हमने थ्योरम पढ़ी है सेंटर वाला एंगल बाउंड्री वाले एंगल का ट्वाइस होता है सेंटर पे एंगल डबल होता है सो व्हाट कैन वी से अबाउट एंगल सी एंगल सी हाफ होना चाहिए ठीक है सो एंगल सी दैट विल बी 50 डिग्री है ना एंगल सी हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन तो हम मार्क करना भूल ही गए फिफ्थ में बी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन फोर में हमारा आंसर सिक्सटी डिग्री आया था सी ऑप्शन करेक्ट हो गया था क्वेश्चन थ्री में हमारा आंसर था एक्स फोर्टी फाइव डिग्री सो बी ऑप्शन करेक्ट था और क्वेश्चन टू आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है डोंट फॉरगेट टू गिव योर आंसर इन कमेंट सेक्शन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉच द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए टेक केयर एंजॉय लाइफ एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी